हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्योग्राफिक बॉयज डिक्शनरी। दोस्तों, आज का ज्योग्राफिक टर्म है एग्रीडेशन, जिसे एल्यूवेशन भी कहा जाता है, एंड इसका हिंदी में मीनिंग होता है भूमि वृद्धि। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एग्रीडेशन की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही सरल शब्द में समझाऊंगा कि एग्रीडेशन क्या होता है। तो दोस्तों, एग्रीडेशन और एल्यूवेशन इज़ अ टर्म यूज इन जियोलॉजी फॉर इंक्रीज इन द लैंड एलिवेशन, टिपिकली इन अ रिवर सिस्टम ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। एग्रीडेशन अकर्स इन एरियाज इन विच द सप्लाई ऑफ सेडिमेंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट द सिस्टम इज एबल टू ट्रांसपोर्ट। सो दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ से एग्रीडेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। अब आपको समझाता हूँ एग्रीडेशन असल में क्या होता है। सो दोस्तों, एग्रीडेशन का मतलब भूमि वृद्धि या लैंड में इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि किसी भी लैंड की हाइट एंड विथ में किसी भी रीजन से इंक्रीमेंट या वृद्धि होती है तो उसे एग्रीडेशन कहा जाता है। ओके, और जो ये वृद्धि या इंक्रीमेंट के रीज़न जो होते हैं, कॉजेज जो होते हैं, वो अनेक हो सकते हैं। बट ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी की बात की जाए तो एग्रीडेशन का मतलब होता है रिवर सिस्टम जो होता है उसके लैंड एलिवेशन में वृद्धि होना। ओके, और वो वृद्धि या इंक्रीमेंट जो होता है वो किन कारणों से होता है, वो सेडिमेंट या अपसाद जो होते हैं, हिंदी में अपसाद बोला जाता है सेडिमेंट्स को, तो उनके डिपोजिशन के कारण होता है। अब आप अपने माइंड में एक रिवर को इमेजिन कीजिए। ओके, और आपको पता होगा कि जब रिवर एक फ़्लो करती है तो वो 3 स्टेजेस में फ़्लो करती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, यूथ। सेकंड क्या होती है, मैच्योर। एंड थर्ड स्टेज क्या होती है, ओल्ड। यूथ में आपको पता होगा कि रिवर जो होती है वो माउंटेंस पर बहती है। ओके, माउंटेंस पर जब कोई भी रिवर बहती है तो उसकी जो फ़्लो की स्पीड होती है, उसके वाटर फ्लो की, वो बहुत तेज होती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जब माउंट पे जो स्लोप होती है वो ज़्यादा होती है, मीन्स कि अगर माउंटेन से किसी माउंटेन से कोई चीज़ गिरेगी तो जाहिर सी बात है स्लोप ज़्यादा होगी, और स्लोप ज़्यादा होती है तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगती है। तो इसलिए माउंटेन्स पे रिवर फ्लो की स्पीड ज़्यादा होती है। पर जब प्लेन की बात आती है, मीन्स कि मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज की, तो वहाँ प्लेन आता है। प्लेन स्टेज में क्या होता है कि वाटर स्पीड बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण डिपोजिशन होने लगता है और सेडिमेंट्स वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। तो दोस्तों, इसे आप इस प्रकार समझिए कि आपका एक फ्लोर है अपने कमरे का, रूम का जो फ्लोर होता है, अगर आप उस पर कोई भी चीज़ बार बार डिपॉजिट करोगे, वहाँ उसका डिपोजिशन करोगे, हर रोज़ उसी चीज़ का डिपोजिशन करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ बहुत ऊंचाई तक उसका एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार रिवर जो वैली होती है उनमें भी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता रहता है और रिवर में लैंड का एलिवेशन हो जाता है। तो यही है दोस्तों एग्रीडेशन। दोस्तों, एक एग्रीडेशन का उल्टा डिग्रेडेशन भी होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे एग्रीडेशन में लैंड का एलिवेशन हो जाता है, पर डिग्रेडेशन में लैंड नीचे चली आती है। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।